प्रदेश में भले ही सरकार ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हुई हैं, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला कैमूर के एक स्कूल का है, जहां गाय भैंसों का तबेला बना हुआ है। दरअसल गांव की शिक्षिका का स्कूल पर कब्जा है, जिसके चलते शिक्षिका स्कूल के बरामदे में गाय को बांधती है और एक कमरे में अपने घर का सामान रखा हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में चार दीवारी न होने से गाय भैंस को लोग यहाँ बांधते हैं, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। हाँ, अब बाउंड्री नहीं हुआ है, चारों तरफ से जलखोल बना हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए गाय भैंसा जाती है, गाय भैंसा यही से चरती है। चरती है तो स्कूलों में तो जो है अब बहुत सारा गाय भैंस बांधल है, छूटा हुआ है, छूटा तो रहेगा तो होगा। मामला संज्ञान में आया है, उस पर हम जांच करके उस पर जो भी कार्रवाई होगी उस पर हम करेंगे। इसके लिए निश्चिंत रहा जी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको ये खबर दी और इसको हम उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कर शिक्षिका पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।